करिश्मा कपूर और संजय कपूर के डिवोर्स को लेकर पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं वो पांच बड़ी बातें जिससे वाकई इस पूरे केस को एक अजीब सी शक्ल देती है। पहली गंदी बात, संजय ने करिश्मा पर डिवोर्स फाइल करते हुए ये साफ साफ एलिगेशंस लगाए कि सिर्फ पैसों के लालच के लिए उन्होंने उनसे शादी की। संजय का साफ कहना था कि संजय के पास इतनी दौलत है जिसे देखकर कपूर खानदान के मुंह में पानी आ गया और इसीलिए उन्होंने करिश्मा की शादी उनसे की। दूसरी गंदी बात, संजय के इस आरोप पर कपूर खानदान बौखला गया। करिश्मा के फादर रणधीर कपूर सामने आए और उन्होंने कहा कि कपूर खानदान के पास इतना पैसा है कि उन्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तीसरी गंदी बात, संजय ने करिश्मा पर बहुत ही पर्सनल होते हुए अटैक किया और ये कहा कि जब करिश्मा का अभिषेक बच्चन के साथ ब्रेकअप हो गया तब जाकर उन्होंने उनके साथ आनंद फानंद में रिश्ता जोड़ा। चौथी गंदी बात, कपूर खानदान ने अब जाकर अपना मुंह खोलते हुए ये आरोप लगाया कि संजय कई लड़कियों के साथ रिलेशन में थे। इससे पहले तो कपूर खानदान ने संजय के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन पहली बार जब संजय ने मीडिया में इस तरीके से करिश्मा के बारे में बोला तो कपूर खानदान ने भी संजय के सारे कपड़े उतार दिए। पांचवी गंदी बात, संजय और करिश्मा के डिवोर्स की बात पिछले कई सालों से कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने दोनों के बीच सुलह करवाने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, डिवोर्स फाइल करने के बाद कई मौकों पर करिश्मा और संजय एक साथ देखे भी गए, लेकिन इसके बावजूद ना फैमिली, ना अपने पुराने रिश्ते और ना ही बच्चों की परवाह करते हुए दोनों एक बार फिर से इस लड़ाई के बेहद गंदे मोड़ पर खड़े हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो और बच्चों की खातिर दोनों एक साथ रहने लगे, लेकिन आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप, न्यूज एंड स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।